सो हे गाइज, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर होस्ट इंजीनियर अभिषेक सिंह एंड यू आर वॉचिंग माई मैकेनिकल सपोर्ट। गाइज, आज हमारे बाइक में एक नया प्रॉब्लम आया है और आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो ये हेडलाइट है, बाइक का जो हेडलाइट है दोस्तों, वो बिल्कुल जो है वो खराब हो चुका है, ये काम नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इस पूरे यूनिट को खोलते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा टूल किट की आपको आवश्यकता नहीं है। आपके घर में मात्र एक स्क्रू ड्राइवर अगर है दोस्तों, तो आप जो है वो इस तरीके के काम अपने घर पे ही कर सकते हैं। तो मात्र स्क्रू ड्राइवर की मदद से किस तरीके से दोस्तों अपना जो है वो हेडलाइट चेंज करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे तो इस जगह पर दोस्तों एक स्क्रू होगा, उसको आपको सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर से खोलना है। चार स्क्रू होते हैं, आप वीडियो को देखते जाइए दोस्तों। और जब से दोस्तों BS4i है तो उसमें नियम है कि आपका हेडलाइट हमेशा ऑन रहता है, इस कारण आपका जो बल्ब होता है दोस्तों वो काफ़ी जल्दी फ्यूज हो रहे हैं, ये चीज़ देखने में मिली है दोस्तों। चूंकि वो जब भी आप बाइक राइड करते हो तब तक वो जलता रहता है दोस्तों, तो हर चीज़ का एक लाइफ स्पैन रहता है दोस्तों, और वो जो है वो ख़राब होती चली जाती है। तो आप देख सकते हैं दो हमने उधर से खोले थे और दो आपको इधर से भी खोलने हैं। आप जगह दोस्तों देख सकते हैं कहां कहां से दोस्तों यहां पे स्क्रू जो है वो निकल रहे हैं, तो यहां से बस चार स्क्रू आपको खोलने हैं और आपका पूरा हेडलाइट का जो यूनिट है दोस्तों वो बिल्कुल जो है वो बाहर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं इस तरीके से। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जो यूनिट था ये पूरा का पूरा दोस्तों आप देख सकते हैं कि बाहर हो गया है, ये पूरा का पूरा हेडलाइट जो है बाहर हो चुका है। अब जो है वो होल्डर जिस तरीके से होता है हमारे बल्ब में, उसी तरीके से इस हेडलाइट में भी दोस्तों एक होल्डर है। तो आपको दोस्तों होल्डर निकालने के लिए आपको इस तरीके से पकड़ करके इसको खींचना है। ये जो बल्ब अलग हो गया और होल्डर ये हमारा अलग हो गया है, अब दोस्तों हमें बल्ब निकालना है। तो बल्ब इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं, उसका कवर हटाने के बाद में ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैं चाहता हूँ दोस्तों आप बहुत ही सावधानी के साथ निकालें। और ये पूरा का पूरा यूनिट मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा हेडलाइट का जो यूनिट है यही बाहर आ गया। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें बल्ब है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये होल्डर और साथ ही साथ ये छोटे वाले जो बल्ब है ये इसी में है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर दिक्कत थी हमारी कि बल्ब फ्यूज हो गई थी। मैं एक्चुअल में आपको बल्ब जो फ्यूज हो गए थे उसको चेंज करना सिखा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको ये स्प्रिंग नहीं निकालने आता है तो मैं बता दूं आपको कि पहले आपको उस स्प्रिंग को इस तरीके से दोस्तों स्क्रू को लूज करना है और उसके बाद इस वाले स्प्रिंग को बस निकाल लेना है। यही वो स्प्रिंग रहता है जो बल्ब को दोस्तों अपने जगह पे टिका करके रखता है ताकि हमारा बल्ब फ्यूज ना हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बल्ब निकलने के बाद में सबसे पहले इसको चेक कर देते हैं और ये देख सकते हैं फोनिक्स कंपनी का था दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बल्ब हमने निकाला हुआ है और ये देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल काला पड़ चुका है और ये देखिए दोस्तों बिल्कुल जो है वो काला पड़ गया है, ठीक है। और ये बल्ब हमारा फ्यूज हो गया है तो इसके जगह में दोस्तों हमने एक नया बल्ब लाया हुआ। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो बल्ब था ये हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर फोनिक्स कंपनी का था, कंपनी सेम है लेकिन दोस्तों ये हमने 45 वाट का, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 45 वाट का बल्ब हमने लगाया था। इसका जो है वो रोशनी तो ज़्यादा दूर तक दोस्तों जाती थी लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं, लगभग 7 से 8 महीने हो रहे होंगे दोस्तों ये दोनों ही बल्ब। पहले दोस्तों डीम वाला फ्यूज किया और उसके बाद कुछ दिन काम चल रहा था तब तक दोस्तों, कल जो है वो डीपर भी फ्यूज कर गया तब हमने जो है वो निर्णय लिया कि अब हम जेन्युइन पार्ट्स ही लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हीरो का जेन्युइन पार्ट हमने लाया है। और इसके अगर वाट की बात कर लेते हैं दोस्तों तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये फिलिप्स कंपनी का है, ठीक है, और ये 35 वाट का है, ठीक है। वोल्ट तो दोनों में सेम ही रहेगा। और इसकी प्राइस की अगर बात करते हैं दोस्तों तो मैं आपको दिखा दूं 155 का यहाँ पे प्रिंट है, MRP है। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिस्काउंट आप लेने की चेष्टा ना करें, ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आपको देते नहीं हैं चूँकि ये सर्विस सेंटर से हमने जेन्युइन पार्ट्स लिए हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं और आप देख सकते हैं जिस तरीके से इसमें भी आप देखेंगे तो डीम और डीपर दोनों बिल्कुल सही है, ये नया वाला बल्ब है। और इसमें देखेंगे दोस्तों ये पुराना वाला बल्ब में तो डीम और डीपर दोनों काले पड़ चुके हैं, जल चुके हैं। तो चलिए इसको चेंज करते हैं।
और चेंज करने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल जो है वो ये जो खांचा है, ये आप देख सकते हैं, ये जो चौड़ा वाला खांचा है ना, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, दो पतले वाले खांचे हैं, एक चौड़े वाले खांचे हैं। ठीक उसी तरीके से इसमें भी दोस्तों जो दो पतले वाले हैं एक चौड़े वाले हैं, तो उसको अपने जगह पे बैठाएंगे। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है दोस्तों। ये देखिए हमारा ये बल्ब आसानी से बैठ चुका है। अब ये पिन है, तो पिन क्या करता है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको लगाने हैं, और ये जो होल है दोस्तों, ये इस तरीके से आपको जो है वो इसमें सेट करना होता है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, कहीं से भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये हल्का सा मैंने लूज कर लिया, चूँकि स्प्रिंग लगाने में कितनी बार होती है दोस्तों कि ये छिटकता भी है, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी रखना पड़ता है अपने तरफ से। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें जानने वाली बात यह है कि ये जो दूसरा जो छोरा है दोस्तों, ये जो है वो इसमें घुसना चाहिए, और उसके बाद दोस्तों इसको आप टाइट कर सकते हैं। अब बिल्कुल बल्ब जो है वो हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो हिलेगा जर्क पर दोस्तों आपका बल्ब जल्दी फ्यूज करेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो अब चलिए अब हम इसको फिट करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको जो है वो चेक कर लेते हैं। तो आप जिस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो कवर है उसको आप सही तरीके से लगा लें ताकि पानी वगैरह अंदर ना जा पाए, ये पानी का बचाव के लिए रहता है। अब दोस्तों ये नॉर्मल जो छोटा वाला बल्ब है दोस्तों, उसको अपने जगह में लगाते हैं और इसको होल्डर को इस बल्ब में फिट करते हैं। और अब हमारी बाइक जो है वो टेस्टिंग के लिए तैयार है। तो चलिए सबसे पहले टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो की ऑन कीजिए, उसके बाद बाइक देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा आप देख सकते हैं डीपर है और ये डीम है, डीपर है डीम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डीम डीपर दोनों हमारा वर्क कर रहा है। अब इसको जो है वो फिट कर देते हैं और लास्ट में मैं आपको फिर से एक बार इसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो इसको फिट करने के लिए आपको दोस्तों इसका जो जगह है उसके आपको बस लगाना है, ये देख सकते हैं ये स्क्रू का जगह है। अब बस चार स्क्रू हमने खोला था दोस्तों, चारों को अपने जगह पे फिट कर देना है। वीडियो पे बने रहिए, पूरी जानकारी लेकर के जाइएगा, वरना दोस्तों क्या होता है कई बार हम शॉर्टकट में वीडियो देख लेते हैं फिर हमें जानकारी पूरी नहीं मिल पाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक स्क्रू हमने जो है वो लगा ली है और ये दूसरा स्क्रू इंडिकेटर के नीचे है, इसको भी हमने लगभग फिट कर दिया है। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं टाइट करने के साथ ही दोस्तों ये पार्ट बिल्कुल अपने आप इधर टाइट ले लिया है दोस्तों। अब एक स्क्रू हमारा और बच गया है दोस्तों, इसको भी चलिए इसको लगा लेते हैं। ये हमारा चौथा जो है वो स्क्रू लगने जा रहा है दोस्तों, और इसको भी बिल्कुल सही तरीके से आपको लगा लेना है। और एक लास्ट वाला जो ट्रायल है दोस्तों, वो देखे बिना वीडियो को मत छोड़िएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है चारों को बारी बारी से फिर से एक बार दोस्तों आप जो है वो फुल टाइट मार देंगे, और हमारी हेडलाइट जो है वो बाइक में बिल्कुल फिट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं डीम और डीपर में अंतर देखिएगा दोस्तों, ये देख सकते हैं। इस तरीके से कोशिश करूंगा दोस्तों आप तक हर वीडियो पहुंचाने के लिए, और आप घर में भी बाइक को अपना रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।